अध्याय पंद्रह के श्लोक सोलह सत्रह में तीन प्रभु बताए हैं ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है कैसा है उसका क्या नाम है इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन अब परमात्मा बताते हैं परमात्मा इस ज्ञान को आधार बना कर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा इसलिए सत्संग का सुनना रह रहे कर सत्संग के अंदर आना यह अनिवार्य है और भक्ति बराबर करता रहे नियम है और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है वो सारा नाश होने लग रहा है उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है आपके धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो और माली सींचा तो समय आए फल हो जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं और फिर देखे एक बड़े उस पौधे को एक दे पेड़ पेड़ होने दो उसको करते रहो पूजा सिंचाई करते रहो उसकी फिर देखना कितना फल लगेंगे खुद भी खा लोगे रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे तो ये भक्ति रूपी पौधा आम का पौधा यानी वास्तविक सत भक्ति आपको ईब प्राप्त हुई है आपने यू पौधा बोया है अब इसकी सिंचाई करने लगो मर्यादा में रहो इसकी बाढ़ बनाओ यानी बाढ़ इस ज्ञान से बनेगी भक्ति का पौधे का नाश कौन करता को नकली व्यक्ति आके क्या कह दे ये भी कोई मंत्र हो ये तो काल के नाम है ये कोई बात ही इन अज्ञानियों की ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है ये कबीर साहब ने ये पांच मंत्र सटाट करवाए थे धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर बिनता नहीं बता पाऊंगे तो धर्मदास जी की पांचवी पीढ़ी तक ये पांच नाम आए थे कौन कौन से जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं और करने नो दीदार महल में प्यारा है जिसकी प्रथम कमलों के साथ से इनका वर्णन किया है और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सच सतलोक लेकर गए थे उनको वापस छोड़ा था परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है जो आपको नित नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश जा सब, वासा रक्त मण जाए किलियम जाप कुल तत् शब्द हमारा मानिए स्वात चक्र परमादि वासा मारे ओम जाप जप्या कर हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रख्या ये ये नाम जाप कर रहे हैं और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स पुनः प्रकट करवाऊंगा और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे कंप्लीट नुक, मंत्र लिखा हुआ ये कंप्लीट एज इट इज और वो दो मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है तो कहने का भाव ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना यानी किसी की बातों तो में मत आना तो पांचवी पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की पांचवी पीढ़ी तक ये पांच नाम आए थे जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं प्रथम और लास्ट छोड़ के लेकिन छठी पिडी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की तुम जाप करते हो बात करते हो सतलोक की तो उसने वो नाम बदल दिए कबीर सागर में एक महिमा है इन पांच नाम और सत्य नाम और सार नाम की हुआ शुरू कर दी जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी खा ले रे दवाई काम आवेगी खा ले रे दवाई रो कट जाएगा वो गाना गाना शुरू कर दिया वो एक पूरा शब्द बना कर लिखा हुआ वो दिन लग गया जो आज तक वही चल रहा है तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है किसी की बात तो नहीं आना इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी तो कहने का भाव यह है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है उसके लिए परमात्मा कहते हैं के कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई धनवंता सो जिस पर राम नाम धन होय झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद तुम इस जूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते ये तो काल की व्यवस्था है सारी अब सबको प्रसन्न कर रखा है माचे फेरे सारे दिन और पहले इन पूछे ऊपर की कमाई कितनी है जब छोरी आऊंगा तनख्वाह कितनी है दस हजार रुपये और ऊपर की बीस हजार तो ठीक है रास्ता पक्का ऊपर की नहीं है तो में ना बात बनी कोई बात आई ये कोई आधार बनाए ना बच्चों की संस्कृति जोड़ने का जो जहर गणा ना को उसका पे -पेटी भी बेटी भी आवाएंगे इसके देख तो उसको दाखना भी ना चाहिए वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार पड़े को लास्ट में देख लेना जो ऐसी बकवादे करते हैं परमात्मा को आधार बनाकर कर आप सीखोगे जब बात बनेगी बच्ची ने भी बेटी ने भी बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे और वो मंत्र वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइन मैन समझ लो बिजली वाले का फोर मैन समझ लो कनेक्शन जोड़ दिया इस पृथ्वी पर और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो और जिससे आदेश उससे जोड़वाना पड़ेगा नकली तब कितर की कर गया लटका बांध तारी जोड़े बैठे हैं कितने मूर्ख बना रहे आपको तो अपने बेटे को और बेटी को सभी भाई बहन भतीजों को माता और पिता को जिस जैसे भी सती थी जोड़ देना चाहिए और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा तो कहने का भाव ये है परमात्मा कहते हैं आप जिसको धनी मानते भौतिक सुख वाला वो तो महान निर्धन है वो तो अपना कर्म बिगाड़ गया कति सारे भट्ठा बठा गया सारे पनों का नाश कर गया और उस पनों के बदले में क्या बदलवा ले गया वो कोठी और कार बदलवा ली इसने हर वो यहीं रह गया आप गया वहां पर भूखा पैसा नरक में ठोका जाएगा या दूध पीटेंगे फिर पशु बनेगा जिससे जिस जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा किसी का बैल बनेगा किसी का गद्दा बनेगा और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा धर्म राज के तिल तिल का लेखा एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है और इस जैसे भी, अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहे भूखा मर जाऊं मैं और के करूंगा भगवान संतों का ज्ञान सुना पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ सारी बातों को स्वीकार किया लेकिन रोजी रोटी फेरड़ गया गए संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं कबीर परमेश्वर आते हैं साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मन तनाश कर लिया क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव हे महात्मा जी तब संत ने कहा संत रूप में परमात्मा विराजमान थे कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से मैं बताऊंगा ऐसे वो कह लगे जी परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई कि मैं कसाई हूँ जी मैं कसाई हूँ कसाई सदना कसाई सदना नाम मेरा सदना नाम है क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है परमात्मा ने कहा भाई होगा कति हो जाएगा पर बेटा आज्ञा ना करिए कहन लगे जी क्यों को क्योंकर बात बनेगी और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का परमात्मा संत जी ने कहा परमात्मा संत रूप में बैठे थे बेटा पेट में भगवान न पाला तू जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी कौन पहुंचाता था और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया उससे पहले दूध नहीं था तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा लेकिन ये तो एक औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए कह लगे जी मेरा तो काम ना चालक बालक भूखे मर जाएंगे मेरा तो और कोई काम नहीं मैं तो नौकर हूं एक कसाई का और मन्नत ये काम करना पड़ेगा तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांझ रखे काल में कहा परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी कुकर छोडो भूखे मर जाएंगे वाल कर नाम लेना चाह वो उठे नहीं मेरा मेरा उद्धार कर दिया गुरुदेव उद्धार कर मैं मत कति नरक में गया परमात्मा बोले भाई ने, दोनों बात क्यों करोगी मेरे फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाह अच्छा, है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले पर रही है वचन पे अब सदना बोला जी ठीक है उसने सोचा रोज के पांच चार काटने पड़े हैं हम बेईमान से कह जी सौ तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा देख रही है वचन पे अकजी पक्का हूँ वचन का चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा का राजा की लड़की का ब्याह हो गया बराता की और उसमें बकरे दारू चाल रहे मुसलमान बादशाह था मतलब मांस तो आम खाते हैं दारू शराब तो नहीं होगी खैर अब उसके कस सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आ गया तुम ला दिए बकरे दा के रख दिए बीस अब बीस काट दिए सतना ने फिर डिमांड आएगी बीस की और कहने का भाव ये है कि सौ के सौ बकरे कटिए और सतना सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखिया मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी मांझ दो हथियार दिए अगर है गीत जता जता गतिनाश हो गया था इतने में परमात्मा ने क्या किया एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कंटेक्ट करना एग्रीमेंट करना तेरे से रोज के बीस तीस पचास बकरे से ही हैंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई कहने लगे भाई ठीक है और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे तो मैं थक रहा हूं भूख ला गई कि मैं खाना खुलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवा ना अब कसाई ने आदर किया नौकर के सदना इधरा अब वो सदन कसाई आ गया हाँ जी बकरा काट फटाफट और बड़ा व्यापारी आया है बड़ा एग्रीमेंट हो गया है हो बड़ी बढ़िया अच्छा और भोजन करा त्यार करोई मैं अब सदना के ताथ पैर फूलिए क्या वह बात बिगड़गी भाई तो ना बड़ी बात आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो मालिक नौकरी तो निकाल लेगा और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नड़े नड़े काट दूं अंड कोस अब मेरा परण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मेरी तोड़ ना तोड़े ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन दिया और मैं बने कसाई देख देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं तेरा तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं तभी भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को ये देख लेना अब बकरा किस सद सदना किसके बकरे काटे था हाथ मत कर छूट गई कपड़ा बकरा बोले ना काटे बैठ गया रो है मालिक ने बाट देखी रसोई में आवाज लगाई रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं मटेरियल पदार्थ नहीं आया बनाऊं बनाऊ करे खुद मालिक गया सदना से कहा कि सदना क्या करा तूने तो काटा नहीं बकरा मैं नहीं काटू मालिक मैं नहीं काटू उसने सोचा ही तो दुश्मन है ये प्रश्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से ये काहे का नौकर है अब ना तू तो नहीं काटे ना ना मैं काटूं उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने अरे एक मारी लात करते पार काट दिया अब जैसे अभी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का कर, महीने दो महीने रो पीट कर सोची करो भाई उसने सोचा चल पड़ी यहां से उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं वहां जाना उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कभी परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है बकरा बोलिया इसे बुंदे काम ना मैं तो कद्दे भी ना करू से जीवा से भूखे मरे आदमी की कही तो ना जच्चे पर वह तो सांच होगी सामने तो जुलम हो गया यू तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है यो नहीं भाई कती भी संत साची के थे वह उस दिन जच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा देख कहाँ तक बिजली गिरती है इस बुंडे कर्मों से कैसे फिर जो मालिक परम संत की सरनमा जा रक्षा कैसे होती है अब वो चला जा रहा था पहले सरपंच नहीं होते थे नंबरदार हॉली सोली होता था गांव का और पांच चार गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति उस नंबरदार को, को विशेष और पावर दे देता था राजा जिस वो दंडित भी कर सकता था अन्य किसी उनको एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था नंबरदार के घर पे रुक गया और काजी मैं रात न रुकूंगा मैंने आगे यात्रा पे जाना है जगन्नाथ मजा रहा हूं तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे अतिथिदार ने सदना को रोक लिया रुक जा भाई भाई रोटी खाइए अलग से व्यवस्था कर दी खाना खुना खाट खा, ठाठ तरह अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड करेक्टर थी उसने सदना के साथ दुर्व्यार करने की चेष्टा की और रोन लाग गया माई मत महा दुखी व्यक्ति हो रात काटड़ी है काटन देता काट ले दे। न म भी चला जाऊंगा तो उसने फिर रो शोर मचा दिया अपनी बेजती समझ के लोग इकट्ठे हो गए अकी मेरी इज्जत का गाक बने था पकड़ लिया और वही उस शहर के अंदर साथ में शहर था वहा ले गए राजा था नु, वहां का नवाब था उसके सामने उसको पेश किया गया उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिंदो भुगत कर मरे, इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्वहार करने की चेष्टा की और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया बंद कर दिया अकाब मर जागा चल्ला चल्ला के रो पीट के तब सदना ने अर्ज करी है गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था मुझे तो चाहिए बदतर मौत मार दो लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जाव इसे इसके गुरु होंगे और ऐसा करता था ऐसा करता था दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया तो मैं तो नीच था तो इससे भी बुरी मौत मार देते दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक इतना ही कहा था वो सारा मीनार फट गया और ईंटे उन सरपंच के शर्म लागी उसकी पत्नी के दोनों सतन कटके वहीं गिर गए खून चल पड़ा और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था અનાય કન ફેસલા સુના થા ઉનકે શિર મેં ઈટ લાગી જાદા કે પર દેખા ઇતના આવાજ હુઈ આસપાસ સબ ભાગ્ય દેખનાય ઓર સદના કે દોનો હાથ પૂરે હોગે कटे हुए નહીં રહે બોલો સદ્ગુરુ દે તો કહેને કા બાઉ યે પુનાત્મા હમ મરિયાદા ઇતની ભરા માન રહે હે જો ભગવાન કે માર્ગ પર ચાલન વાલી और उनसे ही लाभ होगा भाई जो गुरु बचन पर डट गिर कट गे फंद चूरा के, फंद केंद चूरा सी कर फंद चुरासी के भाई जो गुरु बचन पे डट गिर कट गए फंद चुरासी के वस्तु मिली ठोर की ठोर मटगी मन पापी की दौड़ वस्तु मिली थोर की ठोर मेटगी मन पापी की दौड़ भरम मिटे मथुरा काशी के भरम मेटे मथुरा काशी के भाई जो गुरु बचन पर डटगे रकट गे फंद चुरासी के अब सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने तो आप कद कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ तो वही मार्ग वही परमात्मा और वही ज्ञान वो समाधान आज इस दास को दे रखे उस दाता ने इसका लाभ उठाओ औरों को भी समझाओ सच्चे परिचित हो जाओ तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं भगवान का कनेक्शन कट जाता है पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है जैसे आपने कनेक्शन ले रखे जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार हुआ पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी हाथ से ही पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती हाथ ही गंडा सा बोलया करते तक काटिया करते और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया वहाँ पावर मिल गई अब पावर से जो काम हुआ कट 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 मिनटों में घंटों में ढेर लगा दे पहले दस घंटे में ना हो इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे राटा पीस दे तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रहारुद में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम हो, होता है और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के तो फिर वो मैनुअल रह गया आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ आप क्या ने? नाम ले गए गांव में पहुंच गए गांव वाले नौके का नाम लाया तो ने तो ये भी छोड़ दिए माता भी नहीं पूछता पित्र भी नहीं पूछता और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहां से खंडित करवा दू फिर इसकी ही तोड़ता रहो कोई दिक्कत नहीं और जब मालिक की संरक्षण में हम रहेंगे ये निकट नहीं आ सकता ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ प्राणी को बुरी तरह लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर नाम लेकर संघर्ष शुरू करो वही बात है जब कोई आपका कुल के लोग आप उनको समझाने की चेष्टा करो भाई ये बात है ये ज्ञान है मेरे समझ में आ गया और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ मैं त्याग दूंगा ना तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना इतनी सी बात है जैसे एक चुटकला एक, एक टीचर था अध्यापक बच्चे बैठा था और बच्चे वही उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था कोई कूद रहा था कोई उछल रहा था एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी ये बच्चे आपसे नहीं डरते का टीचर है तो टीचर बोला मैं डर हूं है मैं भी ना डरता इनत है तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे तेरा बाना जब तक ये हंस ये पुण्यात्मा हमारी आन में मर्यादा में रहेगी तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का तो इसने पता है इस बात का तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी इसको जरा सी ना समझा जो दास बोचन बोल रहा इसको है इसको जरा सा ना समझना बहुत गहराई से और बड़ी शक्ति से इसका पालन करना जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खेच दी है इससे बाहर ना जाना तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता और वो तो चले गए दोनों भाई जिस खोज में वो भेजे थे उसने सीता जी ने रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए भिक्षा लेने के लिए रावण जब निकट आ रही के उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी वो दस कदम पीछे गया आवाज लगाई के भाई भोजन दो भिक्षा दे ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंत्र में तो हानि होगी होती मुझे और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज यहाँ के राउंड निकट आया तो उसमें लपटा निकली रो एकदम दस कदम पीछेगा कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आ कर दे नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा अब सीता जी ने सोचा सा दो संत है और क्या फर्क पड़े है अभी एक मुठ्ठी आटा डाल लेती हूँ अब वो बाहर निकली रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए राउंड ने पकड़ दी बाजू और लंका में जा पिटकी अब उस वह उसकी जीव संज्ञा की सोच थी के फर्क पड़ा है अभी आ जाती हूँ अभी गई वो मूर्ख थे क्या जो इन्हू कह गए थे बार मत निकलना तो पुणात्मा कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने के फर्क पड़े है कितना फर्क पड़ गया लाखों लोग मरवा दिए आप दस दस बारह वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में खाना ना पीना नहाना ना दोना रोहा पीटी पड़ गया फर्क तो पुनात्मा ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहेब की है इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना और फिर देखना माल्य क्या आते कितना सुख आपको देगा आपको यहाँ सारी सहायता देगा आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा जब चाहोगे जब मरियो काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं के मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यश रे यहां का कितना यस बना ले किसी भी अक्षेत्र में तू यहां कितना है प्रभु पाक ले और सत साधना ना करके ये और डले ढोक है अन्य साधनाएं काल सतर्की करके ये ऋषि मह आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु प्रभु नजर आते थे जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली उसने उन उस सिद्धि के आधार से सातों समुद्रों को एक ही गोट में ऐसे चुनू भर के पिलिया सारे समुद्र खत्म हो गया पानी नहीं रहा उसके अंदर एक गूंट भी और फिर हाहाकार सब ने प्रार्थना की उल्टा उसमें कहते कुरला कर दिया

ये झूठ है यश जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उसमें खुली जब पांडवों ने सज्जित सटेज के ऊपर एक पांच मुख का संख रख दिया कि सभी संत ऋषि मह इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे धर्म यज्ञ में तो जो संत साधु होगा इन जीवने वालों में तो यह संख अपने आप बोल लेगा तेतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि और बारह करोड़ ब्राह्मण ये सारे अगस्त पगस्त या वशिष्ठ मुनि ये सारे वहीं पर बैठे थे और समेत श्री कृष्ण जी नाथ ने भोजन कर लिया वो संख नहीं बजा तो इसे सद हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष में थे श्री कृष्ण भी वही बैठा था भोजन खा लिया था उसका उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई कहते हैं एक बाल मीक नीचे कुल साधु जिन संख पचायन न पूरा नादु इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रगट रहे हुए 120 वर्ष रहे सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए एक संत और एक सतगुरु की एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं तो ऐसे वो करुणा में एक नाम से आए हुए थे दोपर में चारों युग में आते हैं भगवान और उनका और बाल्मीक परिवार उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर एक बाल्मीक परिवार उठा ले गया था मालिक को बाल्मिक के घर हुई और एक बाल्मीक ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका हुआ तो जो जिसका नाम सुदर्शन था सुपत सुदर्शन तो सुदर्शन का रूप बना के मालिक गए थे लंबी कथा है फिर कभी सुनाएंगे आज जो प्रसंग है उसको पूरा करेंगे तो सुदर्शन जो बाल्मीक सुदर्शन जो था परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का इस भक्ति का साधक था मर्यादा में चलता था जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में उन्होंने भोजन खाया कहने का भाव यह है कि पहले तो रुकम उसको द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है एक जंगली सा व्यक्ति इससे क्या हमारा ये, ये पूर्ण होगा इस ऐसे मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने अलग अलग खीर खंड पकौड़ी कचौरी नारी नारी दही बड़े सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज ये मन नारे नारे स्वाद करके बकवाद करेगा कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा तो उन्होंने क्या किया थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया अलवा भी खीर भी दाल भी कचौड़ी भी पकौड़ी भी थोड़ी थोड़ी ले करके के खिचड़ी बना ली अब द्रौपदी ने सोचा था कि मैंने ऐसा भोजन बना के दिया है ये जंगल में रहने वाला महात्मा खावेगा मेरे गुण गा उंगली चटता रह जावेगा जब उसने देखा इसने तो सारा एक काम बिगाड़ दिया एक घंटे में था मेरे आंखे फुड़वाई दूमे पर इसने के कराया यू तो उसके मन में यो दो हो रहा गया था जिस कारण से जितना भोजन थाली में रखा था उस सुदर्शन जी ने पांच ग्रासों में खा लिया और पांच बार ही शंख बोला आगे शंख नहीं बोला तब युधिष्ठ जी ने कहा कि भगवान होगी बात बनगी बात शंख बोल गया तब श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं शंख तो लगातार बोलना चाहिए था ये रुकना नहीं चाहिए था घंटों तक तब बात बनेगी तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हे भगवान और किसको लाओगे अब अब कौन है तब श्री कृष्ण जी ने कहा था इस बाल्मीक के बाल समना ही तीनों लोक ये इतना भक्ति युक्त है ये सुदर्शन ये बाल्मीक इसके एक बाल के बराबर भी ये तीन लोक नहीं है कोई त्रुटि अपने ही घर पे है युधिष्ठिर कोई मनमत दोष किसी प्राणी का है श्री कृष्ण जी को मालूम था कि द्रौपदी नाक से कोडे थी जब रोटी खावा था द्रौपदी बुलाई और पूछा बहन साची बताना आपने क्या सोचा जब महापुरुष जी ने खाना खाया इसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता और तूने ने के समझ यो ये कोई छोटी बात ना समझे क्योंकि वहां उस समय वो परमात्मा स्वयं विराजमान थे पूर्ण ब्रह्म जो करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर जी सुदर्शन रूप में और श्री कृष्ण को आभास हो रहा था कि ये आम व्यक्ति नहीं है तब कह रहा था कि सुदर्शन कोई छोटी बात ना समझो इसको क्योंकि आभास उसी को होता जिसमें कोई अंदर वस्तु होती है अध्यात्मिक श्री कृष्ण जी पुनकर्मी प्राणी थे तभी तो तीन लोग के प्रभु बने हुए हैं तो वही महसूस कर सके कि ये आम व्यक्ति नहीं है बाकी जितने बैठे थे उसको तो मजाक कर ही रहे थे वो अब ये कथा बतानी पड़गी इसलिए आवश्यक थी यहाँ पर तो द्रौपदी ने कहा भगवान मेरे से गलती बन गई मैंने बहुत गलत सोच लिया कि मैंने एक घंटे तक दो में आंख फुड़वाई और नरे नायरे आइटम बना के रखे कि महाराज जी प्रसन्न होंगे भोजन खाके और इसने ऐसा काम कर दिया सभी एक कर लिया तो मुझे दुख हुआ इस बात का और मन में ये दोष आ गया कि ये काहे का शंख बजा होगा सुदर का सुदर ही रहा इसने खान का भी ना पता मनीषा बढ़िया भोजन दिया इसने कदे खाया भी ना होगा देखा भी ना होगा तब तो श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रोपति या वितरी कमजोरी है तने तो ये सोच लिया कि इस महापुरुष को मनीषा भोजन खिला दिया ये तो तुम्हें खिला रहे भोजन इसने तो एहसान कर दिया तेरे ऊपर तेरे घर का टूक तोड़ लिया कि ये त... तेरा तू उधार करने आए थे और तू क्या बकवाद सोच बैठी आत्मा द्रौपदी बोली जी गलती बढ़ गई है माफी मांग और चरण दो पीस के सत समेत रेत के पैरों के देख पाप और कट्ठा कर लिया संत के बारे में ऐसी गलत सोच रखना भी पाप के भागी होते हैं द्रौपदी लाई पात्र ठाकर को प्रांत तांसड़ा लेकर आई लोटा पानी का संत के चरण धोए वापस लोटे में डाल लिया और आधा पी लिया द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आधा मुझे भी दे दे बहन इसी महापुरुष का चरणामृत मिलते भागा करके मिलता है बड़े भाग्य वाले को आधा श्री कृष्ण ने पिया तब तो कहते वो शंख बजा था और पूरे पूरी पृथ्वी पर आवाज गई थी और सब वातावरण बदल गया था पूरी पृथ्वी का सब 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 वृक्षों पर बाहर आ गई थी फूल खिल गए थे तब उनके वो तीन ताप कट्टे थे जो कबीर भगवान से तुम कौन राम का जब तेजापम ताते कटेना तुम्हारे तीनों तापम तो वहां कहते और गनो माया के पुता ये जितने बैठे थे ये सब रिद्धि सिद्धि के पुजारी थे जितने तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि बारह करोड़ ब्राह्मण कहते हैं द्वादश कोट वेद के वक्ता अरेपच का संख बजारे तो कहने का भाव यह कि ये दो परमात्मा जो कह रहे हैं कि मन तू सु सागर बसरे भाई और ना ऐसा ही असरे अब ये के में बने बैठे थे जो महात्मा जैसे दुर्वासा जी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और सिद्धि प्राप्त करके प्रभु पाक्या पड़ा था एक दिन अम्बरीश राजा के दरबार में जाकर सिद्धि प्रयोग कर दी उस भगत के ऊपर उसकी सिद्धि काम ना करके उल्टा उसके ऊपर असर कर गई। तीनों लोक में धक्के खाता फिर अंत में सुदर्शन जी वहीं पर अम्बरीश राजा के चरणों में आकर उसने मत्था टेक्या तब उसका छुटकारा हुआ तो कहने का भाव यह है पुणात्मा के जब तक हम सत भक्ति नहीं करते तो यह महिमा यूजलेस है यहां की जैसे राजा अम्बरीश की इस बात से महिमा होगी कि दुर्वासा ऋषि ने उसके सामने हार मान ली तो अम्बरीश की महिमा होगी वही राजा अम्बरीश उस जन्म में सतियों के अंदर बहुत बड़ा पुण्यकर्मी प्राणी था बहुत अपनी प्रजा को प्यार से रखता था धर्म करता था बहुत अच्छी सती थी उसके शासन में रहती थी और अपनी भक्ति और पुनो के कारण वो विष्णु लोक में चला गया स्वर्ग में अपने वहां पुनो का नाश करके फिर त्रेता युग में वही आत्मा राजा जनक बने राजा जनक की महिमा होगी के सुखदेव नाम के एक ब्रह्मचारी ऋषि ब्राह्मण ने उस ऋषि से यानी राजा जनक से उप, उपदेश लिया जब उसका छुटकारा हुआ तीन लोक में फिर लिया था उसको कोई गुरु नहीं मिला ऐसा कोई संत नहीं था तो अब राजा जनक की यह महिमा होगी कि सुखदेव जैसे ऋषि ने भी राजा होते हुए जनक की इतनी भक्ति थी कि उसको नाक रगड़ा और उसका शस हुआ राजा जनक जा रहा था जब शरीर पूरा हुआ अपनात्मा हर एक चीज पर बिनता आपको महसूस होएगी कि राजा जनक काल की भक्ति करता था और फिर भी विमान में बैठ के जा रहा था एक तो विमान ले जा कसाई के यहाँ पर और एक विमान ले जाएगा सतलोक में तो राजा जनक विमान में बैठकर जा रहा था उस यहाँ की भक्ति कर की हुई तो रस्ते में एक नरक था जिसमें बारह करोड़ प्राणी अपने पापों का दंड वहां भोग रहे थे हाहाकार मची थी चिल्ला रहे थे राजा जनक ने दयालु था न्याकारी राजा था राजा जनक ने कहा कि विमान रोको चालको और पता करो ये चिल्लाने की आवाज किसकी है और क्या कारण है उनको तो मालूम था वही बता दिया जी यहाँ पर एक नरक है और नरक में यह आत्माएं जो है हाँ अपना किए हुए पाप कर्म का दंड भोग रही है इसलिए चला रही है तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो छुड़वा दो मुझे मुझसे देखा नहीं जाता तो साथ आए वे जो पारख थे यानी भगवान के दूत थे वो देवदूत थे और विमान चालक थे उन्होंने कहा राजा यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा यहां तो धर्मराज का हुक्म चलता है न्यायाधीश का तो ने कहा कि न्यायाधीश से मेरी बात कराओ अब वो गए पारख वहां धर्मराज के पास ही ऐसे ऐसे जिद कर रहे हैं राजा जनक और कह रहे हैं या तो इनको छोड़ दो ना मुझे भी यही छोड़ दो में डाल दो धर्मराज वहीं आ गया और कहा राजन ये अपना कर्म भोग रहे हैं आप अपना पुण्य के लिए चलो स्वर्ग में आपके बहुत पुण्य है राजा जनक नहीं माना के नहीं या तो मुझे भी यही छोड़ दो या इनको नरक से निकाल दो तब धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है आप अपने पुण्य इनको दान कर दो संकल्प कर दो फिर छोड़ देंगे राजा जनक ने कहा मैंने आधे पुण्य इनको संकल्प कर दिए तो राजा जनक के द्वारा दिए गए पुनों के आधार से उनको वहां से निकाल लिया नरक से बारह करोड़ आत्माओं को विमान में बैठा के स्वर्ग भेज दिया अब राजा जनक आधा तो खाली वहीं कर दिया इस काल ने दे जाल देख इसका बिना ज्ञान के आदमी न लुटता फिरता अभी तक भक्तिग्रह बिना विवेक बिना विवेक की साधना और इस तरह के दान व्यर्थ होते हैं अब दोनों स्वर्ग में चले वो बारह करोड़ भी और राजा भी जनक भी स्वर्ग में अपना ठाठ से घूमे में राजा जनक की फिर माँ होगी के दानी बड़ा भाई इसने तो ऐसा कर दिया अब क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उन बारह करोड़ के अंदर एवरेज बांट दिए गए जब तक वो पुण्य रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में ठाठ करेंगे और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो बारह करोड़ फिर उस नरक में डाली जाएंगी वो पाप उनके पेंडिंग है नो के नो और उधर से राजा जनक के आधा खाली करा फिर वही राजा जनक यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा जो ऐसे यश प्राप्त किए थे अब कलयुग के अंदर वो श्री नानक देव जी बने श्री कालू राम मेहता के घर जन्म हुआ और फिर उनका विवाह हुआ दो पुत्र प्राप्त हुए एक सुल्तानपुर के नवाब के या नौकरी करते थे पहले तो उनके आप नौकर हुआ करते राजा होते हुए और स्वयं फिर आप नौकर लग गए पुनः को बर्बाद करके फिर वो मालिक दयालु आए उनको बेई नदी पर मिले जहा वो स्नान करने जाते थे जिंदा के रूप में कहते जो जन मेरी शरण हूं ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश राजा अमरीश थे तब भी मालिक मिले परमात्मा से प्रेरणा पाके उनके बात को स्वीकार नहीं किया लेकिन भक्ति पर लग गए दृढ़ता के साथ और राजा जनक को भी मालिक मिले थे कबीर जी जाके तब उनको ये ज्ञान हुआ था लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया मालिक को पता था काल ने यह कह रखा कि कलयुग में जीव गणे ले जाना परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर पर मैं ये गणे दुखी ना हो और जब तक ये दुखी नहीं हो लेंगे इतना मुझे ये पहचान नहीं सकते क्योंकि जब तक इंसान की पूर्व जन्म की कमाई के से जो पुनः उसको प्राप्त हो रहे प्रहद के वो ये सोचता है कि जो साधना तू कर रहा है इनसे मुझे मिल रहे और इतना विवेक नहीं कि ये साधना तो जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था हनुमान जी की पूजा करता था मंगलवार का व्रत रखता था साला सर माथा टेकन जाया करता था बाबा श्याम जी की परम्परागत पूजा थी राम कृष्ण राधे श्याम सीता राम जो भी मंत्र आ गया वो भी दिया करते थे और सारे सुख होते रहे थे संतान हुई नौकरी मिल गई पास हुए परीक्षा में तो इन्हीं को क्रेडिट देते थे कि भगवान की दया से हो गया श्याम जी की दया से हो गया बाबा हनुमान नमौज कर दी श्री कृष्ण जी विष्णु जी की दया करते होगी यानी सबको ही इसका आधार मानते थे अब पता चला ये तो कुछ दे सकते ना ले सकते ये कुछ नहीं कर सकते हमारे प्रार्भ में ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते ये हमें दे ही नहीं सकते जो हमारे भाग्य में नहीं है तो मिल रहा था हमारे कर्म का और शाबासी मिल रही थी इन भगवानों को तो त्रेता द्वापर सतय के अंदर परमात्मा को पता था ये पुनकर्मी प्राणी है तो इनका जन्म का पुन जैसे अब आप भक्ति करोगे ये हजारों वर्ष चलेगी इस पृथ्वी पर, पर जो पार हो गए उनकी तो कहानी खत्म होगी यहाँ से जड़ निकलगी जो तो रह गए नहीं समझाए भक्ति करके और रह गए यहीं पर तो वो ही फिर ऊपर स्वर्ग में सब जगह इनके पुन नाश करा के फिर सतयुग में पटकेगा तुम्हें सतयुग में फिर ये गलत साधना करते रहोगे फिर भी सुख होगा आप सोचते हो हमें जो पूजाएं कर रहे हैं मौजूद समाधि भी जाती है ऊपर को फिर त्रेता में फिर द्वापर में फिर कलयुग मे फिर पकड़ा जाओगे आप क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो वो तो गलत है आपके पुन रहे नहीं क्योंकि सारे पुण्य खर्च कर दिए तुमने तो अब जो दुर्गति आपकी प्रारंभ हो रही है दुखी के दुख बढ़ रहे हैं पूजा वो पहले भी कर रहे थे आपके दादे पड़दादे भी कर रहे थे वह सुखी थे क्योंकि उनके पुण्य थे और उन्नी करते करते तो आपकी बिहार मैटी होगी तो अब उन साधनाओं से नहीं हो रहा था वो लाभ आपको पूर्व प्रहार अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग में फिर वो भक्ति दूंगा इनके रोज कांटे से निकलेंगे रोज सुख होंगे और वो उन साधनाओं को करके थक चुके होंगे फिर मुझे पहचान लेंगे पहचान लेंगे कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम तो कहने का भाव ये है दास का कि अब जो आप साधना कर रहे हो आपको मर्यादा में रह के साधना करने से वो लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते कि तो सुना भी नहीं होगा फिर आप पछाड़ में आ जाएगी कौन है भगवान वो कबीर परमात्मा है अब जो प्रसंग चल रहा है कि राजा अम्बरीश सचुक् त्रेता दुआ पर मैं महिमा के पात्र बड़े और अंत में फिर क्या बने नानक जी बन गए आप मजदूर लगे आप नौकर लगे तो फिर मालिक आकर मिले जो जन मेरी शरण है ताका गेल गेल ला गया फिरूं। जब तक धरती आकाश आप आज के नहीं हो जो शरण मे ये करोड़ों की संख्या में ये नकली संत बे बैठे अरदास ने खूब आवाज लगा लिए तो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े बांग पी रहे उन संतों के पास इतनी आवाज लगा दी क्रोथा कांड इसी का कारण था सच्चाई कहन का इनकी पोल पाट दी थी इन नकली आचार्य ऋषि की मैं ऋषि दानंद की सारे की तुम्हारे लिए परमात्मा के बच्चे हो जागो किसी तरह हैं और वो उड़ा फंसे पड़े न सोचा इतना आवाज लगा के भी ना जाए गिरे तो कहने का भाव ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में अब जो ये परमात्मा ने कलयुग जो मुहिम चलाई है ये पूर्व निर्धारित थी और आप वो पुनकर्मी प्राणी हैं जो आपकी शरण में आगे अब अरियाबाद समझ में और जितने लेट आएंगे ना उतने रोया करेंगे ऊपर न मोकर आप देख लेना आपके सामने दिखा दूंगा क्योंकि वह भक्ति है नहीं तो आपके साथ वो भगवान उसे पिछले जन्मों से लगा हुआ है जैसे नानक साहेब जी की आत्मा अम्बरीश राजा थे वहां मिले उनको जाके पर मालिक की बात तो स्वीकार नहीं करी लेकिन प्रेरणा भक्ति की होगी नाराज पा के कौन भक्ति करे मालिक ने प्रेरणा दी साधु बन के गए उनके घर रुके शुरू में जवान अवस्था थी बहुत देर तक बात समझ में आई फिर ऐसी आई के चल जैसी भी कर रहा था करके कुछ तो पुनः कमाए कुछ दिन तो सुर्गम में आ गया उल्टा फिर राजा जनक को मिले फिर वही आत्मा नानक देव बने वहाँ पहुंच गए बेई नदी पे गोष्ठी करी पहले उनसे ज्ञान समझाया लेकिन पुराना रंग गणा था नहीं समझ आया तो फिर सतलोक लेकर गए उस पारी प्यारी आत्मा को सतलोक में परमात्मा को देखा और वही भगवान फिर काशी में कपड़े बुनता देखा तब कहा था फाई सूरत की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बार ये दानक रूप रहा करता नानक साहेब जी ने कहा था ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ के ऊपर ये पूरा शब्द लिखा हुआ है नानक साहिब जी का तो पुणात्माओं कबीर साहब कहते हैं तो आप भी उन्हीं पुणात्माओं में से हो पहले तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे कलयुग में ये छे तो है परमात्मा की कौन कौन जिन्होंने परमात्मा कबीर जी को यहां भी देखा सचखंड में देखा सतलोक में और दोनों जगह ये एक ही पाया और फिर उन पुणात्माओं को वापस छोड़ा उन्होंने फिर कबीर परमात्मा की महिमा अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दे करके उन्होंने वर्णित की कौन कौन है आदरणीय धर्मदास साहिब जी आदरणीय मुलुकदास साहिब जी आदरणीय नानक साहिब जी आदरणीय दादू साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले तो ये छह गवा तो दास के याद उस परमात्मा के कि कबीर इज गॉड जैसे नानक साहब का अपने सुन लिया भाई सूरत मलुक्की वेस ए ठगवाडा ठगी देश खरासी आना बहुत आभार धानक रूप रहा करता 24 नंबर पृष्ठ पे 721 सौ पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहब में कि एक अरज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे प्रवर्दिगार और दादू साहब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर जी गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रती और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार अब आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है जो बच्चा गऊ की नजर में यो संते भक्तों के पीछे फेरे वो भक्त बछल भगवंत कि जैसे गाय चारा चरती है चारा चर रही है एक नजर अपने बच्चे पर रखती है तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यो साई को संत आप आत्मा हो जो भगवान की खोज में लगे हो, इतनी दूर आए हो कोई दो सौ किलोमीटर से कोई हजार किलोमीटर से कोई पंद्रह सौ किलोमीटर से आप परमात्मा के बच्चे हो और आपको कैसे संदेश भेजा तरीका देखो उस दाता का ये इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सैटेलाइट पर के जितने भी ये लैबलोप बनवाए परमात्मा ने टीवी बनवाए कंप्यूटर बनवाए ये छोटे छोटे मोबाइल बनवा दिए छोटे छोटे मोबाइल ये आदमी के सतर की वस्तु नहीं है ये मैन्युफैक्चर, ये भूल जाना आप ये तो परमात्मा ने ही ढूंढा ठाना था इस कल युग में ना ये मनुष्य थे हमने देखा क्योंकि हम किसान परिवार में जन्म हुआ दास का अपनी कणक को इकट्ठा करने में एक एक महीना दो दो डेढ़ डेढ़ महीना लगे रहते थे और कैसे उसको काटते थे फिर उसको डालकर पशुओं से उसका ऊपर घुमाते थे फिर एक छड़ा काट कर का उसको ऊपर उड़ाए जाते तो एक महीने में जाकर वो सेट होता है तो वो भी दिन देखे वो क्या मनुष्य नहीं थे एक एक रेडू में यानी छोटी सी गाडी में छर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते ना सड़क थी तो वह भी मनुष्य थे तो अब अब क्या उप, कहीं और से आ गई मनुष्य उनसे कम दिमाग है जो पहले वालों में था लेकिन मालिक ने अब ये बनवाने थे इसके माध्यम से यह संदेश अपना परिचय अपने बच्चों तक पहुंचाना है उसने उसके लिए बनवाया ना दस साल पहले की थे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी नहीं था ना इस का बेरा था इन्हने तो अब ये पचपन जो वर्ष कलियो के दाता ने कहा है ये वो चल रहा है पचपन सौ वर्ष वाला जब कलयुग बीत ये सारा विश्व भगवान को पहचानेगा और इस सच्चे नाम का जाप कराया करेगा सबकी ये बुराई छूट जाएगी ये जहर कोई नहीं खाओगा रिश्वत का जो आधा हाकार मचरी आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 एट एट जीरो फाइव फोर वन